अबे पागल अंदर मत जा, वो पागल है, तू भी पागल ही है। हाय गाइस, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास है, क्योंकि हम मुंबई के ऐसे पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत ही जान सकते हैं वो कौन सा पर्यटक स्थल है, वो है हाजी अली दरगाह। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और हम आपको दिखाने वाले हाजी अली दरगाह, चलते हैं कैसा माहौल है, क्या है, क्या क्या वहाँ पर लोग करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम अंधेरी से चल चुके हैं मुंबई सेंट्रल के लिए और लोकल ट्रेन का नज़ारा ये देखिए कितना भीड़ है, और ये देखिए कितनी फास्ट भी चल रही हैं, और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं मुंबई सेंट्रल। हम मुंबई सेंट्रल उतर चुके हैं और यहाँ से हाजी अली लगभग 20 मिनट का रास्ता है पैदल। टैक्सी वाले ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, यहाँ से पैदल ही हम चल रहे हैं। तो मैप के सहारे हम यहाँ से चलेंगे और ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और ये देखिए समुद्र के अंदर है हाजी अली दरगाह। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये देखिए सामने रोड है, इसको क्रॉस करना पड़े सब्बे से, तभी रोड क्रॉस करेंगे। हम सुबह में डूब चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे रोड के उस पार, और वहाँ से फिर बहुत ही जल्द आने वाले हैं हाजी अली दरगाह। रोड के उस पार से इस पार आ चुके हैं, हम एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी दुकानें लग चुकी हैं, जो अंदर चादर लेके चढ़ाए जाते हैं, जो कि मन्नत रखते हैं वो चढ़ाते हैं। जब पहुँच चुके हैं हाजी अली दरगाह जो सामने है, तो चलिए अब चलते हैं और उससे पहले जहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और इस वीडियो में सामने देखिए वही हाजी अली दरगाह जो है वहाँ पे, जो कि लोग जा रहे हैं, और देखिए चारों तरफ से समुद्र और बीच में जाने का रास्ता। तो काफ़ी अमेजिंग है ये और काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो है, तो प्लीज़ बने रहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के एक एक सुनहरा पल को आप खो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें और फुल वीडियो देखें, और चलिए आगे। तो अभी हम मेन गेट पे बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, और देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। हम आ चुके हैं गेट पे और चलिए अब अंदर चलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ का जो व्यू है अभी देख सकते हैं, देखिए इधर पानी में लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी सीन हम आपको दिखाएँगे। उससे पहले चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो फाइनली अब हम गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं, और एक बार बोलिए हाजी अली बाबा की जय। और ये देखिए हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है हम लोगों को, यहाँ पे देखिए साथ में बजरंगी भी है, तो चौका हुआ है कहाँ आ गया है। और ये अंदर का माहौल देख सकते हैं कितना अद्भुत है और कितना बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए सामने में वाटरफॉल लगा है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर अपना फ़ोटो पिक निकाल रहे हैं। और ये सामने का देखिए, और ये देखिए यहाँ पे रुकने के लिए प्रबंध किया गया है, यहाँ पे रूम बनाए गए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मुंबई में हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं देखा जाता है। देखिए हाजी अली दरगाह में भी कोई हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म का यहाँ पे ये नहीं है कि आप इस धर्म के हैं तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे सब अलाउड है। और ये देखिए सामने में हाजी अली दरगाह बाबा जो हैं, उनका मिट्टी दिया गया है, उनके ऊपर देखिए कितने चादर चढ़ाए गए हैं। लोग जो मन्नत रखते हैं वो चादर यहाँ पे चढ़ाते हैं, देखिए चादर चढ़ाया जा रहा है। और ये चारों तरफ आसपास लोग खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं, जो भी अपना मन्नत मांगते हैं वो मन्नत भी मांग रहे हैं, या जो पूरा हुआ उनके लिए यहाँ पे काफ़ी खुश होकर चादर चढ़ाते हैं। और ये सामने में देखिए, और ये नज़ारा देखिए कितना अद्भुत आपको दिख रहा होगा। सभी लोग यहाँ पे तो बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, और ये उनके जो श्रद्धालु हैं काफ़ी उम्रे हुए हैं। और यहाँ से देखिए मुंबई कितना सुंदर दिख रहा हो, कितना अद्भुत और कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग और ये बीच में समुंदर, कितना क्लीनिनेस पानी है। और ये पीछे का रास्ता है, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले हम आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि ये जो हाजी अली दरगाह है इसमें अभी काम चल रहा है, काम चालू है। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पे मन्नत मांग रहे हैं और बाबा से नमाज अदा कर रहे हैं। और इसमें देखिए ये जो अंदर का ग्राउंड है, देखिए यहाँ पर एक दीवार है, दीवार नहीं दरवाज़ा है, देखिए सामने से लोग जो अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो इसमें हाजी अली बाबा के लिए नमाज अदा करने लोग जाते हैं।
और ये सामने पीछे से नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ एक बार हम पीछे आपको चारों तरफ से घुमा कर दिखा देना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लोग कैसे एंजॉय ले रहे हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने परिवार के साथ। तो काफ़ी ये अद्भुत जगह है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और ये देखिए पानी की लहर कितना अद्भुत। उससे पहले हम आपको चलिए इसका परिक्रमा करके एक बार दिखा देते हैं क्या इसका सीन है। ये जो पानी का कहर है ना, ये चारों तरफ है। और ये आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस वीडियो में कि चारों तरफ लोग हैं और नीचे में सभी लोग गए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सफाई भी चल रही है इस मस्जिद का। और ये जो चारों तरफ लोग हैं, चारों तरफ इंजॉय ही कर रहे हैं। पानी में कोई नहा रहा है, कोई पैर अपना रखा हुआ है, कोई पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। तो वो सब चीज़ें हम आपको करीब से दिखाएंगे। उससे पहले ये देखिए, देखिए ये कैसे लोग यहाँ पे अपना इंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। तो गाइज अब यहां से चालू होता है जो पानी की लहर है, और यहां से जो लोग एंजॉय ले रहे हैं, तो इस वीडियो में अब मज़ा आने वाला है। और साथ में कुछ अलग ही होता है, वो भी लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखिए मस्जिद कैसा नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा कैमरे का एंगल दिखाते हैं, तो ये एंगल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और यहाँ पे देखिए जो पास में हम लोग आए हैं, देखिए ये पानी की लहर कितना मतलब यहाँ पे तेज है, और ये बच्चे लोग उसी में एंजॉय ले रहे हैं। तो देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, मुझे भी यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और पहली बार मैं भी यहाँ पे आऊँ तो काफ़ी यहाँ पे सुकून मिल रहा है। तो फाइनली मैं, मेरे से रहा नहीं गया और मैं अंदर चला गया था यहाँ पे मोबाइल किसी और को देकर, और फिर चला आया क्योंकि जूता पहना हुआ पैर पैंट सब गीला हो जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ दिया। और देखिए अंदर का नज़ारा आप यहाँ से देखिए। और ये पत्थर और पानी देखिए आपस में कुछ बातें कर रही हैं। बातें ये कर रही हैं बट हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपने आप में तो ज़रूर समझ रहे हैं, जैसे हम लोग अपने आप में समझते हैं किसी का बात, वैसे ये भी अपने। और देखिए ये, देखिए ये अंदर जा रही है, गिर तो नहीं जाएगी ऐसा लग रहा है, नीचे बैठ कर चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा समीप गया। इस बच्ची देखिए, ये बच्ची कितना निडर है, थोड़ा भी नहीं डर रही है। मैं इससे पूछा वो डर नहीं लग रहा है, ये बोल रही है नहीं नहीं मेरे को डर नहीं लगता। देखिए पानी के अंदर चली गई है और इसके परिवार वाले भी इसको नहीं डांट रहे। और यहाँ पे देखिए ये लोग भी काफ़ी अंदर चले गए थे, इतना अंदर भी नहीं जाए जो कि आपको नुकसान हो जाए। देखिए अभी गिरी थी बच गई, तो इतना अंदर भी नहीं जाना चाहिए। ये पत्थर जो भी है स्लिप कर रहा है, बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी देर हो चुका है, अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं। और ये आशा करता हूँ कि ब्लॉग काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। और ये हाजी अली दरगाह के बारे में आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ये कई सौ वर्षों पुराना हाजी अली दरगाह है। और यहाँ के जो आसपास का नज़ारा है बहुत ही अद्भुत और बहुत बेहतरीन है। और ये मुंबई में बहुत ही फेमस जगह है हाजी अली दरगाह यहाँ पे। और दूसरी बात मैंने बताया है कि हिंदू मुस्लिम कोई भी यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं, हर धर्म के लोग आ सकते हैं। तो आपको भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर हाजी अली दरगाह आए और यहाँ का आनंद लें, यहाँ पे घूमें फिरे और ये जो पानी या जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका आनंद ज़रूर लें। फाइनली गाइज यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने फुल विस्तार से दिखा दिया, और यहाँ पे कैसे लोग आकर मनोरंजन करते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, इधर फोटो क्लिक करते हैं, क्या क्या सीने हैं, कैसे हैं। तो मतलब फाइनली फुल व्यू आपको मैंने दिखाया, और मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा ब्लॉग हम आपको देने वाले हैं। और पिछले ब्लॉग में आपने काफ़ी सारा प्यार दिया जिससे मैं काफ़ी खुश था, और मैं आशा करता हूँ वैसे ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिएगा। तो चलिए और भी ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, और इससे भी अच्छा ब्लॉग आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।